नमस्कार, आप देखिए फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। दिल्ली में आप विधायक अमानतुल्ला खान के घर ईडी ने छापेमारी की। ईडी की टीम को घर में घुसने से रोका, लंबी बहस के बाद पुलिस को बुलाना पड़ा। अमानतुल्ला खान पर वक्फ बोर्ड में धांधली का आरोप है। यौन उत्पीड़न और पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के साथ मारपीट का भी आरोप है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। बाढ़ से अब तक 27 लोगों की मौत, 100 से अधिक ट्रेनें रद्द, कई के रूट बदले गए, कई इलाके जलमग्न। विजयवाड़ा में 2.76 लाख लोग प्रभावित। झारखंड में सिपाही भर्ती की दौड़ के दौरान 11 अभ्यर्थियों की मौत हो गई। प्रतियोगी आबकारी कांस्टेबल प्रतियोगिता परीक्षा के तहत शारीरिक दक्षता परीक्षा दे रहे थे। पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बीजेपी ने लगाया लापरवाही के गंभीर आरोप। लखनऊ के राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी में एक छात्रा अनिका रस्तोगी की डेड बॉडी मिली। अनिका लखनऊ में आईपीएस की बेटी थी। विश्वविद्यालय के छात्रावास में उसकी बॉडी मिलने से हड़कंप मच गया। मौत के पीछे की वजह तलाश जा रही है। कनाडा के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर हर महीने 58 लाख खर्च करते हैं, एक आरटीआई में खुलासा हुआ। आरटीआई एक्टिविस्ट मारलिंगा गौड़ा माली पाटिल ने सूचना के अधिकार कानून के तहत यह जानकारी प्राप्त की। बिहार में एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की कार का ऑटोमेटिक चालान कट गया। टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी ने चिराग पासवान की गाड़ी के अधूरे कागजात कैद कर लिए। दरअसल बिहार सरकार ने पूरे प्रदेश में ई डिटेक्शन सिस्टम लागू किया है। राज्य के सभी टोल प्लाजा पर ऑटोमेटिक चालान करने के लिए सीसीटीवी लगाए गए। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का चंदौली में बड़ा बयान। यह बात उन्होंने डोली में अघोराचार्य बाबा कीनाराम की स्थिति जन्मस्थली पर कही। बता दें कि वे 425वें अवतरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोई संत या योगी सत्ता का गुलाम नहीं। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद भारत में शरण लेने वाली शेख हसीना की पासपोर्ट अवधि खत्म हो रही है। सिर्फ 12 दिन की पासपोर्ट अवधि बची। उधर बांग्लादेश में लगातार शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है जमात इस्लामी और खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी। बार बार शेख हसीना की मांग कर रहा है। खून से सनी हुई थी डॉक्टर, मैं डरकर भाग गया। कोलकाता केस में आरोपी संजय रॉय का नया दावा। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कविता सरकार ने कहा कि पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान भी संजय ने अपने बेगुनाह होने की बात कही थी। भेड़िए 2 और खोजने वाले 200 पीएस के जवान, वन विभाग की 25 टीम तैनात। अब तक 10 लोगों को भेड़ियों ने बनाया शिकार। यूपी के बहराइच के आसपास के 35 से ज्यादा गांव के लोग प्रभावित। ये थी वेब दुनिया की फटाफट बुलेटिन। ताजा अपडेट के लगातार बने रहे हमारे साथ। विजिट करें वेब दुनिया पर।